भाई वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। देखो आज हमारे पास ना एक ऑनलाइन का प्रोडक्ट है, तो आपको ये दिखाते हैं। ये है क्रोम रोल, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा 250 रुपए से लेके 350 के बीच में आएगा 10 मीटर का। दो तीन वैरायटी आती है इसमें अलग अलग तरह की, तो ये कुछ ऐसा होता है। तो इसको आप कार वगैरह पे कैसे लगा सकते हो और कैसे इसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देते हैं। देखो नीचे लगी होती है इसके ये टेप चिपकाने के लिए, आप देख सकते हो जैसे अपने डोर वाइजर वगैरह पे होती है ना, ये वैसी ही टेप है ये चिपकने वाली। और ऊपर जो इसमें लगा हुआ है ये लगी हुई है खाली टेप, मतलब नीले कलर की पन्नी कह लो, इसके नीचे ये क्रोम है। और क्रोम इसका खराब नहीं होता, कहने का मतलब बढ़िया होता है, क्रोम खराब नहीं होता इसका बिल्कुल भी। तो इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो, कैसे, जैसे ये भी ऑनलाइन से मंगवाया गया है तो आपको दिखाते हैं एक बार उसका यूज करके कि आप उसको कैसे कर सकते हो। ये देखो आप इधर आके देखो एक बार, ये है डिजायर और डिजायर का डोरवाइजर है विदाउट क्रोम वाला, तो उसके ऊपर यहाँ से ये इसके ऊपर पूरी की पूरी लाइनिंग बना दी गई है जिससे ये क्रोम वाला डोरवाइजर बन गया। यानी अगर आपने लगवा चुके हो, नए के अंदर तो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास कि आप क्रोम वाला, विदाउट क्रोम वाला हर तरह का ले सकते हो, लेकिन अगर पहले से लगा हुआ है और आप चाहते हो कि उस पर थोड़ा बहुत क्रोम की फिनिशिंग देनी है तो ये आप उसमें ऐसे लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। वो यूँ पूरे जैसे ये मुड़ेगी ना पूरी की पूरी, देखो लगा के दिखाते हैं आपको, इसको ऐसे खाली रखना है और ये यूँ जाएगी और फिर ये यहाँ थोड़ी सी हेल्पी लगेगी और फिर ये यहाँ तक यूँ आ जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है ना डोरवाइजर नॉर्मल से क्रोम हो जाएगा। एक तो ये ऐसे लगना है, अभी वो भी बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपको सावधानी बरतने की जरूरत है जब आप ऐसे वाली टेप लगाएं। तो एक आपको ये यहाँ पे लगा सकते हो, देखो जैसे बीडिंग है ये यहाँ पे लोग लगा लेते हैं, यहाँ ये लग चुकी है साइड में, देखो एकदम अच्छी सी फिनिशिंग आती है बढ़िया तरीके से। यहाँ पे लगा लेते हैं लोग, कॉर्नर पे लगा लेते हैं, यहाँ पे डोर गार्ड की जगह पे लगा सकते हो, इस जगह पे ऐसे इसको इतना काट के कुछ इस तरीके से आपने इसको लगा लिया तो ये डोर गार्ड की जगह भी लग सकता है, यहाँ लग सकता है। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे इसको आप आराम से लगा सकते हो, कॉर्नर पे, इन पे, डिग्गी पे, तो जहाँ आपको ठीक लगे, जहाँ आपको लगे कि ऐसी फिनिशिंग की जरूरत है वहाँ आप ये सारे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। एक दो चीज ध्यान रखने की जरूरत है, एक तो देखिए ये कटिंग करनी पड़ती है क्योंकि ब्लेड चाहिए एक इसको काटने के लिए और आपको एक्यूरेट इसको कटिंग कर देना है। दूसरा इसके अंदर मेन चीज ध्यान रखने वाली है, जैसे अपन डोरवाइजर चिपकाते हैं तो वैसे ही चिपकाना है इसको, नीचे के पीस को साफ करके और उसको ऊपर फिक्स कर देना है। बस ध्यान रखने की जरूरत यह है कि अगर जो कोने हैं इनके ऊपर एल्फी नहीं लगी तो ये निकल जाएगा, क्योंकि जो टेप होती है ना वो कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, हल्की टेप होती है। तो या तो आप इसकी टेप चेंज कर लें, मतलब वो ओरिजिनल वाली है ना क्लियर वगैरह कोई ऐसी टेप मंगवा के वो वाली आप इसमें लगा सकते हैं, या तो एटलीस्ट कोनों पे, जैसे आप इसको लगा रहे हो तो कोनों के ऊपर अगर आपने एल्फी की दो दो बूंदें डाल दी तो फिर ये फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर निकलता है तो कोनों से निकलता है, साइडों से ये नॉर्मली नहीं निकलता कभी भी। तो ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा चिपक जाएगा यहाँ से भी, और जहाँ मुड़ेगा वहां पे भी थोड़ी सी एल्फी डालने की जरूरत है, फिर उसके बाद एकदम फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें या यहाँ पे भी लगा रहे हो, लेकिन ये बात श्योर है कि अगर आपने इस टेप के साथ और विदाउट एल्फी या विदाउट टेप चेंज किया इसको लगा दिया तो ये निकलेगा ही निकलेगा, मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है। तो या तो एल्फी का यूज करें कोनों पर ताकि ये फिक्स हो जाए, लेकिन एल्फी का निशान बन जाता है जिसके लिए फिर अगर आप निकालते हो तो इसको दोबारा से फिर आपको लगाना पड़ेगा, यानी आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि आप देखो जहाँ पे एल्फी लगी है वहाँ पे हल्के से उसके डॉट जो है वो बन जाते हैं, जैसे यहाँ हो गए हैं, ये इसके नीचे अभी और लगेगी इसमें। तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। एक बार दूसरी साइड और दिखाते हैं आपको, देखो जैसे कॉर्नर पे भी आ जाती है, इस पे लगा सकते हो, मतलब ऐसी चीजों पे यूज करना हो तो देखो ये यहाँ लग गई है, एक बार आप क्लोज से देख लो इसको, ये यहाँ लग गया ये और ये इसके ऊपर ये पूरा आ गया है यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से। तो एल्फी का यूज करना पड़ेगा, टेप चाहो तो चेंज कर सकते हो, अगर आपको एल्फी यूज नहीं करनी है तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की टेप लगा के फिर इस तरीके से लगा सकते हो, लुक अच्छा आ जाता है, जहाँ पे भी आपको ठीक है वहाँ पर लगा सकते हो। अमेजोन का आइटम है, आपको आराम से अमेजोन पे मिल जाएगा, जो भी पॉसिबल परचेज लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 10 मीटर के करीब आएगा ये इस तरह का रोल इसमें ऐसे, और ये आप कह लो कि अगर डोरवाइजर के लिए मंगाते हो तो 4-1 मीटर के करीब आराम से लग जाती है, 3 से 4 मीटर, क्योंकि कटिंग वटिंग में थोड़ी बहुत खराब भी होगी तो आप एक रोल के अंदर कई जगह पर इसको यूज़ कर सकते हो। बस चिपकाते हुए ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने इसको यहाँ से कोनों से ठीक से नहीं चिपकाया तो ये चलती हुई निकल जाएगी, या तो कोई ऐसे हल्के से हाथ से निकालेगा तो इसको खराब कर देगा। तो आप अमेजोन से मंगा के इसको यूज कर सकते हैं अगर आपका ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो, और क्या ध्यान रखना है वो हम वीडियो में आपको बता ही चुके हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही, जय हिंद।